हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव मिस्टर जैसा। तो अभी हम और मेरा फ्रेंड टीम जा रहे हैं रंगिनी मंदिर जादूगोड़ा में। जो तो अगर आपको रंगिनी मंदिर जाना है तो यहाँ से जमशेदपुर से दो रास्ता है, -33 ऊपर जा सकते हैं या फिर आप यानी कि टाटा नगर स्टेशन से होकर भी जा सकते हैं। तो अगर आप टाटा नगर स्टेशन से होकर जाते हैं तो आपको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अगर आप -33 होकर जाते हैं, आप पीछे देख सकते हैं टाटा स्टील है। अगर आप -33 होकर जाते हैं तो आपको थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं टाटा स्टेशन से होते हुए परसूरी होते हुए रंगिनी मंदिर जो कि जादूगोड़ा में। तो अगर आप जादूगोड़ा रंगिनी मंदिर नहीं गए हैं तो इस ब्लॉग को देखते रहिए। अगर आप गए भी हैं तो फिर भी इस ब्लॉग को देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दें। अगर आप कहीं और जाना देखना चाहते हैं किसी जगह को, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे पिछली दो वीडियो दो ब्लॉग है जिसमें थीम भी हैं, इनके बारे में आपको और एक बात बताने वाला हूँ। इनसे आप कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। तो अगर आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप कहीं जाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो आप हमें भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप जमशेदपुर से आपको गाड़ी का इंश्योरेंस बनाना है या आप और गाड़ी क्या क्या बनवाता है, लाइसेंस बनवाना है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल का नाम लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। ये गोल पहाड़ी वाला रूट है। अगर आपने गोल पहाड़ी वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। इनका नंबर आपको NIT ब्लॉग वाले में मिल जाएगा। इनका नाम है भीमा गांधी, होंगे ये पीछे गोल पहाड़ी का गेट है। अच्छा, अगर आपको LIC करवाना है तो LIC के सबसे बड़े अगर आपको LIC करवाना है तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नीचे इनका नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। रंगिनी मंदिर आप देख सकते हैं पीछे, रंगिनी मंदिर। और आज संडे है और सावन का महीना है तो यहाँ और ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए पीछे, चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में।
रंग की मंदिर देखी है अभी हम लोगों ने, ये प्रसाद ले लिया है और अभी लाइन में लगे हैं, लंबा लाइन है। तो आप अगर सावन में आते हैं या संडे को आते हैं तो आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगी। माता का पूजा कर लिया है और अभी हम लोग जाएंगे उस रंकिनी माता के सामने, ठीक पहाड़ है वहाँ जाना है हम लोगों को। तो आप देख लीजिए, यहाँ से ठीक दिख नहीं रहा है तो मैं कैमरा स्विच करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं और भीम जा रहे हैं पहाड़ के पास, जो ऊपर में और एक मंदिर है, शिव मंदिर है शायद, तो वहाँ भी जा रहे हैं हम लोग। और रंकिनी मंदिर भी सामने था और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऊपर। तो भीम के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था कि ये LIC एजेंट भी है, तो अगर आप LIC करवाना चाहते हैं या आप गाड़ी या कोई भी कागज़, अगर आप जमशेदपुर से हैं तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको इनसे बात कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल का नाम लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें इन्वाइट कर सकते हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, या अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे अपने साथ। और यहाँ थोड़ा रास्ता है, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ आपका रास्ता यहाँ का। बारिश में आते हैं तो देख लेंगे, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे इसलिए अगर बारिश का मौसम हो, लेकिन अगर बारिश ना हो तो तभी आए। इन सब जगहों में बेस्ट जगह है मेरे हिसाब से, अगर बारिश का मौसम ही बेस्ट वेदर होता है यहाँ आने के लिए, इन सब जगहों में आने के लिए, तब जब बारिश ना होती है। ज़्यादा ठंडी में आपको बहुत ठंडी लगेगी या ज़्यादा गर्मी में आपको गर्मी लगेगी तो आप आ नहीं पाएंगे। बैठे हुए आधा रास्ता भी हम लोगों ने अभी नहीं किया और थक गए हैं। ये रास्ता एकदम खड़ा रास्ता है और आप देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप भी 15 मिनट से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद जाएंगे। अगर ऊपर पहुँचते हैं हम दोनों तो आपको वहाँ की सीन दिखाएंगे, वहाँ जो मंदिर है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ ऊपर किसी तरह। चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग यहाँ का मंदिर। यहाँ है बजरंग बली का मंदिर और यहाँ से आप व्यू देखिए, यहाँ का पूरे जंप को यहाँ से व्यू मिलेगा। पहले तो बजरंग बली को देख लीजिए। और यहाँ से पूरा व्यू देखिए, तो मैं कैमरा स्विच करके आपको दिखाता हूँ जमशेदपुर का। और यहाँ से जो रोड दिख रही है, आप ऐसे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ कैमरा। आप यहाँ से नीचे देखिए कितना ऊपर है। आपको पहले मैं रंकनी मंदिर दिखाता हूँ। देखिए अगर रंकनी मंदिर आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ है ये रंकनी मंदिर। और अभी हम लोग एकदम टॉप पे हैं। बीच में ही इसलिए दो तीन बोतल पानी का लेके आए, तभी ऊपर आए, तभी आप आराम से बैठते हुए हैं जैसे हम लोगों ने किया था, तब आप आ पाएंगे आराम से। तो हमारी जर्नी जो है यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कहीं हमें ले जाना चाहते हों तो इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पर आप जाके कर सकते हैं, या आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं हमें फॉलो। और नेक्स्ट हम जब भी जहाँ जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।